सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y20 फोन के स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड के बारे में। हाँ सो, अगर आप अपने स्क्रीन टाइम लॉक पासवर्ड लगा लोगे, फाइनली आप अपने दोस्तों को फोन को दोगे, फाइनली आपका दोस्त फोन को अनलॉक नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड नहीं लगाते हो, तो आप जैसे अपने फोन को अपने दोस्तों को देते हो, आप जो पासवर्ड लगाते हो अपने फोन का, एंड आपका दोस्त आपका पासवर्ड जानते ही आपका फोन अनलॉक कर लेता है। लेकिन जो मैं आप लोग को सेटिंग बताने वाला हूं, इस सेटिंग को अगर आप अपने फोन में कर लोगे एंड स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड लगा लोगे, तो आप चाहे किसी को भी फोन दे दो, वो फोन अनलॉक नहीं कर पाएगा। जैसे कि यहां पे आपका हर एक मिनट पासवर्ड चेंज होते रहेगा। यहां पे मैं आप लोग को डिटेल में बताने वाला हूं इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्कीप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली दोस्तों, हम बात करने वाले हैं वीवो के Y20 फोन के स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड के बारे में। यहां पे आप लोग को पूरे डिटेल में बताने वाले हैं। तो चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे मैं आप लोग को पहले स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड का डेमो दिखाता हूं, यहां पे कैसे ये अनलॉक होता है एंड कैसे इसे अनलॉक किया जाता है। जैसे कि यहां पे मेरे फोन में आप देख रहे होंगे 9:35 हो रहा है, एंड यहां पे जब जैसे ही हमारे फोन में 9:36 हो जाएगा, एंड मेरा पासवर्ड जो है चेंज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड यूज होता है। तो ऐसे यहां पे मैं अपने फोन को लॉक करता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, एंड मेरा फोन यहां पे लॉक हो चुका है। अब यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड लग चुका है, एंड इसे मैं अनलॉक करता हूं। अब मेरे फोन में 9:36 हो चुका है, एंड यहां पे मैं इसे अनलॉक करता हूं 096। यहां पे मेरा फोन अनलॉक हो चुका है, एंड यहां पे इस तरीके से आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हो। फाइल्स, फिर से मैं इसे लॉक करता हूं एंड फिर से यहां पे आपको अनलॉक करके दिखाता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं 096, यहां पे मेरा फोन अनलॉक हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपका फोन में 9:37 होगा, तो 9:37 का पासवर्ड आपके फोन में बन जाएगा। तो फाइनली इस तरीके से आपका ना ही दोस्त पासवर्ड को पता कर पाएगा, ना ही कोई बंदा आपका पासवर्ड जान पाएगा। इस तरीके से आप स्क्रीन लॉक टाइम पासवर्ड लगा सकते हो, एंड इसे कैसे इनेबल करना है मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना, अदरवाइज इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको चल के दिखाता हूं, और यहां पे आपको प्ले स्टोर के अंदर आना है। प्ले स्टोर में आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहां पे सर्च बार पे क्लिक करना है, एंड सर्च बार पे जैसे क्लिक करते हो, उसके बाद आपको यहां पे लिखना है स्क्रीन टाइम। यहां पे आप जैसे स्क्रीन टाइम लॉक पासवर्ड लिखोगे, यहां पे आपको कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। इसे आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना, जो कि मैंने अपने फोन में इसे डाउनलोड करके ट्राई भी किया है एंड यूज भी किया हूं। 1 महीने से इसे यूज कर रहा हूं, उसके बाद आपके लिए यहां पे वीडियो बना रहा हूं। तो फाइनली इसे मैं फिर से इंस्टॉल करता हूं, इसको डिलीट करके, और फिर मैं आपको इनेबल करने का तरीका इसमें आप लोग को बता देता हूं। अब मैं इसे डाउनलोड पर लगा देता हूं, ये मेरे फोन में जो कि जल्दी से डाउनलोड हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे 13 MB का एप्लीकेशन है, एंड इस एप्लीकेशन का डाउनलोडिंग जो कि 10 मिलियन है, और यहां पे आप देख सकते हैं रेटिंग अच्छा खासा इसका है, और एप्लीकेशन अच्छे से वर्क करता है हमारे फोन में। चाहे आपके पास कोई भी फोन हो, उसमें अच्छे से वर्क करेगा। फाइनली आप अपने वीवो के Y20 फोन में इसे इनेबल कर सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशन है मेरे फोन में डाउनलोड हो चुका है, अदरवाइज आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहां पे दिख रहा होगा इनेबल लॉक। यहां पे इनेबल लॉक पे आप जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अलाउ का परमिशन मांगेगा, अलाउ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहां पे एप्लीकेशन को परमिशन देना होगा। यहां पे आपको आना है और इस वाले एप्लीकेशन को आप ढूंढ लेना, यहां पे क्लिक करके एंड ऑन करके यहां से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से इसे ऑन करना, उसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका चूंकि इनेबल लॉक हो जाएगा, अब यहां पे आपको आंसर देना होगा। यहां पे आप कुछ भी आंसर दे सकते हैं, जैसे कि यहां पे मैं अपने नाम का आंसर दे देता हूं, SL सलमान का यहां पे आंसर दे दिया। उसके बाद यहां पे आंसर को सेव कर देते हैं। आंसर क्या होता है, जब भी आप पासवर्ड से स्क्रीन लॉक अनलॉक नहीं हो पाता, तो आप इस आंसर को डाल को फोन को अनलॉक कर सकते हो। इसका भी डेमो आपको दिखा दूंगा। उसके बाद आपका यहां पे स्क्रीन टाइम लॉक लग चुका है। उसके बाद आपको नीचे आना है, और जो कि मैंने अपने होम स्क्रीन पे जो कि स्क्रीन
पैटर्न पे जो कि यहाँ पे मैंने वॉलपेपर को चेंज किया था, जो कि अब यहाँ पे जब पहली बार लगाओगे तो कुछ इस तरीके का वॉलपेपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का वॉलपेपर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको मैं देख सकते हैं 9:39 हो रहा, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये फोन मेरा 9:39 पे अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ जैसे कि यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करके, तो यहाँ पे वॉलपेपर पे जाते हैं, एंड वॉलपेपर पे जाओगे उसके बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, इसमें से कोई भी वॉलपेपर को आप लगा सकते हो। जैसे वॉलपेपर पे क्लिक करते हो आपके पास एक ऐड आएगा, ऐड को आपको यहाँ से स्किप करना, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको और भी सेटिंग करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आप अपने फोन को लॉक करोगे, एंड यहाँ पे फोन को लॉक करते हो, एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, और यहाँ पे जो कि ये स्वाइप करने वाला, आप यहाँ पे अपना नाम का टैग्स डाल सकते हो। अब यहाँ पे इसे मैं वॉलपेपर को चेंज कर लिया हूँ, यहाँ पे मेरे फोन में 9:40 हो रहा है, तो 9:40 पे मैं फोन को अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा फोन 9:40 पे अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कि टैग्स को यहाँ पे डालना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे टैग्स को लिखेंगे, मैं लिख दिया यहाँ पे सलमान अजमी। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, ये हमारा टैक्स सेट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन वगैरह, कीबोर्ड फोटो, एंड यहाँ पे इसका थीम वगैरह जो भी चाहिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और भी ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम्स, यहाँ पे थीम्स को आपको लगाना है, यहाँ पे बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इस वाले थीम को लगाना चाहते हैं, इस पर वॉच करेंगे, उसके बाद आपके पास एक ऐड आएगा, तो ऐड को यहाँ पे आपको 29 मिनट का ऐड होगा, आपको यहाँ पे स्किप करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 29 मिनट का ऐड होता है, यहाँ पे आपको पूरे वॉच करना होगा, उसके बाद आपका यहां पे थीम्स ऐड कर पाओगे। तो जैसे कि यहां पे मैं 29 मिनट का ऐड को यहां पे चला रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, अब यहां पे 29 मिनट का ऐड जैसे हमारे फोन में खत्म होगा, उसके बाद जो थीम है हमारा सक्सेसफुल इनेबल हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपको इनेबल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं 2 सेकंड एंड 1 सेकंड, यहां पे हम स्किप करते हैं और यहां पे हमारा सक्सेसफुल हो चुका, थीम चेंज हो चुका है। अब यहां से आपको बैग आते ही आपके फोन पे फिर एक ऐड आएगा, ऐड को आपको यहां से स्किप करना होगा, जो कि यहां पे इस एप्लीकेशन जो कि फ्री है तो इसमें ऐड आएंगे, ऐड को आपको स्किप कर देना यहां से। उसके बाद आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा थीम्स चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे स्टाइलस वगैरह जो भी मिलते हैं आप यहां पे स्टाइलस इसे लगा सकते हो, आपको बहुत सारे यहां पे वॉच मिल जाते हैं स्टाइलस में, आपको जो भी बेटर लगता है यहां से लगा सकते हो। ये वाला लगाना चाहते हो वॉच को, फिर से आपको वॉच करना पड़ेगा यहां पे 29 सेकंड, फिर से आप यहां पे वॉच करेंगे, उसके बाद इस वाले टाइम को लगा पाओगे अपने होम स्क्रीन पे। तो फाइनली इसे मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो कि यहां पे वीडियो चाहे लंबी हो जाए यहां पे आपको दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, मैं यहां पे इसको टाइम जिससे खत्म होगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक से आपके फोन पे सेट हो जाएगा। तो फाइनली वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यहां पे। तो ये ऐड हमारा 5 सेकंड का हो चुका है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये हमारा वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद यहां पे हम इसे कैंसिल करते हैं और ये हमारे फोन पे सक्सेसफुल चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, फिर से ऐड आएगा, ऐड को आपको स्किप करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड को हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। अब इस तरीके से हमारे फोन में स्क्रीन टाइम पासवर्ड लॉक लग चुका है। अब मैं अपने फोन को लॉक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे फोन पे स्क्रीन टाइम पासवर्ड लॉक, यहाँ पे जो चीज़ मैं यहाँ पे सेट किया था सेट हो चुका है, एंड यहाँ पे नाम लिखा था, नाम भी आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों इसे अनलॉक करने के लिए यहाँ पे 9:42 हो रहा है, तो 42 मिनट पर हम इसे अनलॉक करते हैं। 9:42 पर ये मेरा फोन अनलॉक हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अगर आपका फोन में 9:43 जैसे होगा उस तरीके से आपका फोन का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 9:43 होगा, यहाँ पे मेरा फोन का पासवर्ड चेंज हो चुका है। अब मैं इसे अनलॉक करता हूं और यहां पे आपको दिखाता हूं, और 9:43 इस तरीके से हमारा फोन का टाइम यहां पे पासवर्ड चेंज होते रहेगा। इस तरीके से आप स्क्रीन टाइम लॉक पासवर्ड लगा सकते हो अपने वीवो के Y20 फोन में। फाइनली मैंने आप लोग को पूरे डिटेल में बता दिया आप कैसे अपने फोन में स्क्रीन टाइम लॉक पासवर्ड लगा पाओगे, मैंने आप लोग को पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बता दिया है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।